अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फर्स्ट ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जोस नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव डैट जोस नंबर 1 साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा कॉइन 3 पाई और 2 प्लस थीटा और कॉट स्क्वायर 3 पाई और 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि इस कंडीशंस को इसके इक्वल प्रूव करना है। LHS लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिक 2 पाई माइनस थीटा। साइन स्क्वायर का होल का साइन हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा होल का साइन स्क्वायर हो जाएगा और टेन ये ताक है इस वजह से टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और नीचे कॉट ये ताक है इस वजह से कॉट टेन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एज इट इज़ और कोसिक कोसिक और कोसिक थीटा एज इट इज़। साइन स्क्वायर कॉट थीटा और टेन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर कोसिक थीटा, जब हम इसको कॉस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा टेन स्क्वायर थीटा और कोसिक थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम जानते हैं कि ये टेन के इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कोसिक थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएंगे कॉट थीटा और कोसिक थीटा बच जाएंगे। वी नो डैट वन ओवर कोसिक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल होता है और कॉट कॉस और साइन के इक्वल होता है, इस वजह से हम साइन से साइन कैंसिल करेंगे और इसके इक्वल मींस के बाकी कॉस बच जाएगा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव डैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये प्रूव अक्सर लॉन्ग में आते रहते हैं, इनको अच्छे से किएगा। जोसन व ट्रू छोटा सा शार्ट है लेकिन अथेंटिकल है, जिसको ये फार्मूले आते होंगे ये वही शार्ट कर पाएगा, वरना अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा सीकेन माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा और सीकेन 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। यही समझने वाली बात, सिर्फ यही एक अथेंटिक है कि कॉस 90 का पाई और 2 हो जाएगा प्लस थीटा सीकेन माइनस सीकेन का एज इट इज़ और टेन का जब लिखेंगे 2 पाई और 2 पाई और 2 90 के इक्वल होता है और 2 पाई और 2 180 के इक्वल होता है माइनस थीटा और नीचे सीकेन 360 का 4 पाई और 2 हो जाएगा 180 का 2 पाई और 2 हो जाएगा और 360 का 4 पाई और 2 हो जाएगा माइनस थीटा और साइन 180 का 2 पाई और 2 लिख देंगे प्लस थीटा और कॉट का पाई और 2 माइनस थीटा। और यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि कॉस ये ताक में, इस वजह से कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और सीकेंड माइनस को हज़म कर लेता है इसलिए ये माइनस ख़त्म हो जाएगा सीकेंड एज इट इज़ और टेन पॉजिटिव एज इट इज़। और उसके अलावा नीचे सीकेंड एज इट इज़ और माइनस साइन एज इट इज़ और टेन ये टेन बन जाएगा, मतलब कि कॉट और ताक में है और ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस साइन सीकेंड टेन सीकेंड साइन टेन
और यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल कर लेंगे, सीकेंस से सीकेंस कैंसिल कर लेंगे और टेन से टेन कैंसिल कर लेंगे, इक्वल टू माइनस वन। यानी कि ये प्रूव करना है, ये अक्सर शार्ट में आता रहता है, ये वेरी अथेंटिक है, इसको थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको समझ लें तो ये आसानी से समझ आ जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट, यानी कि अगर अल्फा बीटा और गैमा ट्रायंगल एबीसी के एंगल हैं तो तब प्रूव करें साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। ये चार इम्पोर्टेंट चार्ट हैं, अक्सर इनमें से चार्ट देता है लेकिन कभी कभार लॉन्ग भी आ सकता है। और एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हम ये चैप्टर नंबर 12 में एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि ये कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के कैसे इक्वल होता है, हम उधर एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर एक इसकी फॉर्म लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 180 माइनस गैमा, अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, यानी कि साइन को अप्लाई करना है बोथ साइड, यानी दोनों तरफ साइन को अप्लाई करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा 180, साइन दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, साइन का साइन लगेगा, मतलब कि ये भी पॉजिटिव, ये जोफ्तादाद में है, इस वजह से साइन का साइन लगेगा, मतलब कि 2 पाई और 2 हो जाएगा, साइन 180 2 पाई और 2, जिसकी वजह से साइन गैमा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें सवाल सिर्फ यही फॉर्म देगा कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन गैमा, हमें ये सारा प्रोसेस करके और उसके इक्वल रखना है, ये प्रोसेस हमें एज वी नो डैट और ये सारा प्रोसेस हमें खुद करना है और एंड में यही साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन गैमा ये खुद लिखना है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2, ये सवाल है और इस पर हम खुद ही फार्मूला लगाएंगे, सवाल की नौयत को देखते हुए खुद ही फार्मूला लगाएंगे। सॉल्व, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, यानी कि यहाँ पर गैमा जो प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड यानी कि 2 को दोनों तरफ डिवाइड मीन्स के तकसीम कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 हो जाएगा, 180 माइनस गैमा ओवर 2 हो जाएगा, और उसके बाद अप्लाई कॉस ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हमें एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि कॉस अगर इधर साइन दिया गया है तो हम साइन अप्लाई करेंगे, अगर कॉस दिया गया है तो कॉस, अगर टेन दिया गया है तो टेन अप्लाई करना है, हमें ये सवाल में देखना चाहिए, पहले कंडीशन को देखना चाहिए और उसके बाद इधर सॉल्व करना चाहिए। अप्लाई कॉस ऑन बोथ साइड, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस आर ओवर 2, यानी कि 180 को जब 2 पर तकसीम करेंगे तो 90 होगा, 90 कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस 92 माइनस पाई ओवर 2 माइनस आर ओवर 2, यानी कि इधर हम अलग अलग इसको कर लेंगे, माइनस का साइन दरमियान में डालकर 180 ओवर 2 कर लेंगे, माइनस गैमा ओवर 2 कर लेंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2, साइन इसलिए हो जाएगा क्योंकि 90 ताक में है और कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा। इनकी बात करते हैं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस गैमा, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, अप्लाई कॉस ऑन बोथ साइड, यानी कि कॉस को दोनों तरफ अप्लाई करना है, हमें यहाँ पर सवाल की नौयत को देखते हुए सॉल्व करना है, तो इस वजह से कॉस यहाँ पर कॉस लगाया हो तो यहाँ पर कॉस अप्लाई करेंगे, कॉस अप्लाई कॉस ऑन बोथ साइड, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस आर,
180। यहाँ पर तो एक बात समझ आ गई, कॉज है इस वजह से इसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि कॉज साइन में चेंज नहीं होगा। और उसके बाद एक बात और देखनी होती है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में तो कॉज नेगेटिव होता है, कॉज तो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। कॉज 180 माइनस गैमा, कॉज माइनस कॉज गैमा, कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज गैमा, ये प्रूव है। और उसके बाद अगर सवाल नंबर हम फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, तो टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनको ज़ीरो के इक्वल करना है। एज़ वी नो डैट, हमें ये इसका मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं कि, यानी कि ये फार्मूला हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, ये बात हम अपनी तरफ से लिखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, और गैमा को दूसरी तरफ ले आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा अप्लाई टैन। यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि अप्लाई हम वो चीज़ करेंगे जो सवाल में दी गई होगी, अप्लाई टैन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टैन को अप्लाई करेंगे, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन 180 माइनस, और यहाँ पर भी फिर दोबारा वही बात हो गई कि टेन लगाया गया है, टेन किस वजह से लगाया गया है, टेन किस वजह से टेन वापस ही टेन रह गया है, मींस के अपनी कंडीशन क्यों नहीं चेंज की, 180 आया हुआ है, और 180 आने के अलावा ये माइनस का साइन क्यों आया है, माइनस का साइन इस वजह से आया है कि ये टाइन दूसरे क्वार्टर में नेगेटिव है, दूसरे क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है, इस वजह से इस पर नेगेटिव साइन आएगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव टाइन गैमा, और यहाँ नेगेटिव है इधर कर पॉजिटिव हो जाएगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइनली टाइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि सवाल की नोयल में दिया गया है, टाइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टाइन गेमा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम इसको भी ऐसे ही ज़ीरो के इक्वल करेंगे। आज हमारी 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड शेयर विद अदर फ्रेंड्स एंड कमेंट विद द गुड कमेंट, और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 10.2 की स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी आपको अच्छे ख्याल से आगाह करेंगे, मींस के हम मैथमेटिक्स को इंशाल्लाह आसान अल्फाज में उर्दू और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश बाज़ औक़ात बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और वो मैथ को नहीं समझ पाते, इस वजह से हम इसको उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दोनों में बाज़ औक़ात इंग्लिश में भी पढ़ लिया करेंगे, बाज़ औक़ात और कुछ अल्फाज उर्दू में भी यूज़ कर लिया करेंगे, ताकि आपको दोनों तरफ ही समझ जाए, और कुछ बच्चों को इंग्लिश आती है उर्दू नहीं आती, और ये भी मसला होता है, इस वजह से उनके लिए इंग्लिश भी बनाई हुई होती है, इंग्लिश के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए होते हैं, कुछ उर्दू के इस्तेमाल किए होते हैं, इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।